दुनिया के सियाहती नक्शे में भी मकामात मुकद्दसा दिलकश तरीन मकामात के एतबार से पेश किए जा चुके हैं। शहर मशहद इस्लामी जम्हूरिये ईरान के मुकद्दस तरीन ज़ियारती मकामात में शुमार किया जाता है। फ़र्ज़ंद रसूल हज़रत इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम, जो अहले बैत रिसालत माआप के एक दरख्शां सितारे हैं और आपके रोज़े मुतहर की ज़ियारत और इस मलकूती दरबार से फैज़ उठाने के लिए हर साल लाखों की तादाद में ज़ायरीन न सिर्फ ईरान बल्कि दुनिया के गोशे गोशे से इस मुकद्दस शहर में तशरीफ लाते हैं। मशहद मुकद्दस एक तारीखी, सकाफती और मजहबी शहर है और सूबे खुरासान का मरकज भी है और इसकी आबादी 20 लाख के लगभग है। ये शहर 1000 मस्जिद नामी पहाड़ियों के जुनूब में वाक़ है और सतह समंदर से 980 मीटर बुलंदी पर वाक़ है। दारुल हुकूमत तेहरान से इस शहर का फासला 912 किलोमीटर है। मशहद दोस्ताराने अहले बैत अलैहिस्सलाम के इमाम हज़रत अली इब्ने मूसा रज़ा अलैहिस्सलाम के मुकद्दस रोज़े की मौजूदगी की वजह से दुनिया में मशहूर है। हज़रत इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम का हरम मुतहर दुनिया के ज़ेबा तरीन तारीखी और मजहबी शाहकारों में से एक शाहकार है। हज़रत इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम हज़रत इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के फ़र्ज़ंद अर्जुमंद और शियान जहान के आठवें इमाम हैं। सन 148 हिजरी मुताबिक 765 ईस्वी को मदीने मुनव्वरा में पैदा हुए और आपने कुल 55 साल उम्र पाई और 20 साल तक मिल्लत इस्लाम की इमामत व रहबरी के फ़राइज़ अंजाम दिए। आखिर में अब्बासी खलीफा मामून के हाथों खुरासान में शहीद हुए। जहां पर आप दफन हैं इस वक्त ये मकाम मशहद इमाम रज़ा के नाम से जाना जाता है। शहर तूस के बिल्कुल करीब आपको दफन किया गया है। यही वजह है कि अब इसको मशहद यानी शहादत गाह कहते हैं। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के दफन के बाद उनकी ये गिरा कद्र बारगाह रफ्ता रफ्ता फन मेमारी और हुनरमंदी के बेनज़ीर शाहकार में तब्दील हो गई। आज ये रोज़े मुनव्वर अजीम ज़ियारती मराकज़ में से एक है। हज़रत इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की बारगाह ईरान के मुकद्दस तरीन और गिरा कद्र तरीन मजहबी मकामात में शुमार की जाती है। हरम मुतहर की इमारतें ईरान के ज़ेबा तरीन
इस्लामी शाहकार और फन मेमारी के बेहतरीन नमूनों में से एक है और इस इमारत की छतें, रवाक, दीवारें, आईनाकारी और काशीकारी के फूलों, कतबों और हिंदुसों से मुजयन हैं और मीनारों को खूबसूरत चीनी टाइलों और अरबी की मुख्तलिफ अकसाम खुशखत कतबों खुसूसन खत्ते कूफी से मुजयन किया गया है। इसी तरह गुंबद असली जो मरकद मुताहर के ऊपर वाक़े है और हरम मुताहर में दाखिल होने वाले तमाम ऐवानों और मीनारों को सोने से बनाया गया है। इनकी वजह से हरम मुताहर की फिजा एक ख़ास जाज़िबियत और मानवियत की हामिल हो गई है और ज़माने कदीम के मुख्तलिफ फन मेमारी का सुराग मिलता है। गुंबद हरम मुताहर इस्लामी ईरान की फन मेमारी और हुनरमंदी का आला तरीन नमूना है जिसकी बुलंदी 31 मीटर और 20 सेंटीमीटर है, जिसके चारों तरफ उस जमाने के मशहूर खत्तात अली रजा अब्बास के खत में एक बड़ा ही नफीस कतबा नक्श है। 932 हिजरी मुताबिक 1528 ईस्वी को शाह तहमास्ब ने गुंबद की काशीकारी से मुजयन टाइल को तब्दील करके सोने की ईंटों से